हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 आपके क्वेश्चन फोर्थ के थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट व्हॉल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वी हैव टू टेल दैट बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई। किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो आपको करनी है। तो 252 डिवाइडेड बाय 2, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 सिक्स ज़ा 12, 2 सिक्स ज़ा 12, 2 थ्री ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6, 3 वन ज़ा, सिमिलर लास्ट स्टेप तक लेके आएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। अब इसके क्या क्या बने हमारे फैक्टर्स, 2, 2, 3, 3 एंड 7। अब 2, 2 का तो पेयर बन गया आपका, 3, 3 भी पेयर बना गया, बट 7 सिंगल वन, सो 7 हैज़ नो पेयर। यहाँ पर 7 का कोई पेयर नहीं है, सो 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ही हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी पेयर बन जाएगा और हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 252 किया, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन थी वहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। नाउ वी हैव टू फाइंड इट स्क्वायर रूट। 252 इंटू 7 बन गया 1764। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, तो एक 2 आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट से बाहर, एक 3 आएगा और एक 7 आएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो आंसर 42। सिमिलरली 180 के फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 2 3 3 एंड 5। यहाँ पर भी 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, बट 5 इज सिंगल वन है, तो 5 हैज़ नो पेयर, सो 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स वे मल्टीप्लाइड बाय 5, 180 बाय 5 एंड हेयर 15 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 180 इंटू 5 कितना बन जाएगा, 900। स्क्वायर रूट निकालेंगे 900 का तो ये आ जाएगा 235, तीनों के पेयर बन गए तो ये बाहर आ जाएगा 12 फ्रॉम 13 एंड हेयर 15, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। सिंपल आपको क्या करना है, इसमें आपको जो भी वैल्यू गिवन है यहाँ पर उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स के बाद पेयर बनाने हैं। जिसका भी पेयर नहीं बन रहा है दैट मीन्स दैट नंबर हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते ही आपके पेयर बन जाएंगे और स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिफ्थ का लास्ट पार्ट है हमारे पास 768, तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 आता रहेगा। डिवाइड करते ही यहाँ पर 6, 2, 3, 6, 3, 1, तो कितने टाइम्स आया 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टाइम्स तो आ गया आपका 2 और सिंगल रह गया 3। जब हमने पेयर बनाए तो ये 2 के पेयर बन गए हैं, 3 सिंगल वन, दैट मीन्स 3 हैज़ नो पेयर, 3 का कोई पेयर नहीं है, दैट मीन्स 768 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ मल्टीप्लाइड विथ 7, 768 इंटू सॉरी 3, 768 इंटू 3 एंड हेयर ऑल्सो वन मोर 3 विल कम। अब हम इसके पेयर बनाएंगे तो 2 के तो पेयर बन ही रहे थे, 3 का भी पेयर बन जाएगा। 768 इंटू 3 कितना बन जाएगा आपका, 2304। यहाँ पर ये पेयर, एक 2 इसका, ये पेयर सेकेंड 2, ये पेयर थर्ड 2, ये पेयर फोर्थ 2 और ये 3, ये बाहर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज़ 48। सिक्स में क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड। तो सबसे पहला स्टेप वही है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट भी वही है, 252। तो 252 के परफेक्ट प्राइम फैक्टर्स बनाए हमने, क्या बने थे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ 2 का भी पेयर है,
थ्री का भी पेयर है, सेवन सिंगल वन है, तो सेवन हैज़ नो पेयर, सो 252 मस्ट बी डिवाइडेड बाई सेवन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने क्या किया, 252 को सेवन से डिवाइड कर दिया, सेवन से डिवाइड करते ही ये सेवन हट जाएगा, आपका आ जाएगा 2 × 2 3 × 3, तो 252 डिवाइडेड बाय 7 कितना बन गया, 36। और यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये था हमारा 2 × 2 × 3 × 3, 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 कैंसिल हो गया, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 × 3 = 6। 2925 के भी प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया है तो इसको ध्यान से देखो। 2925, सबसे पहला ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 0 2 4 6 8 नहीं है, आप 2 उस पर 3 पे चेक करेंगे, 2 2 4 4 5 9 9 9 18, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 3, 3 9 = 27 कितना बचा रिमाइंडर, 2, ये हो गया 22, 3 7 = 21 रिमाइंडर बचा 1, ये हो गया 15, 3 5 = 15, 3 3 = 9, 3 2 = 6 रिमाइंडर बचा 1, 3 5 = 15, 3 2 5, 5 5 = 10, अब 3 से डिविजिबल नहीं है 10, लास्ट में 5 है, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 5, 5 6 = 30 रिमाइंडर बचा 2, 5 5 = 25, 5 1 = 5 रिमाइंडर बचा 1, 5 3 = 15, 13 सिंगल रह गया, 13 1 = 13, दैट मीन्स 2925 कैन बी रिटर्न एज 3 × 3 × 5 × 5 × 13। अब हमने पेयर बनाए, ये दो तो पेयर बन गए, 13 का कोई पेयर नहीं है, सो यहाँ आपको लिखना है 13 हैज़ नो पेयर, 13 का कोई पेयर नहीं है, दैट मीन्स 2925 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13, अब इसको 13 से डिवाइड कर दो, 2925 डिवाइड बाय 13, और ये कितना आ जाएगा, 3355, 13 हट जाएगा क्योंकि 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये रह गया, अब हमें इस डिवाइड करना है इसको 13 से, ये बन जाएगा आपका 225, 3 × 3 = 5 × 5, अब हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट, ये पेयर एक 3 आ गया, ये पेयर एक 5 आ गया, 3 5 = 15, तो आंसर कितना आ गया, 15। सिंपल क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर के बाद जितने पेयर बना सकते हैं पेयर बनाएं, जो लेफ्ट वन होगा दैट इज़ द नंबर बाई विच वी हैव टू डिवाइड इट, तो डिवाइडेड बाई 13, 13 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो ये 13 हट जाएगा आपका, और 13 से डिवाइड किया कितना बन गया, 225, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना तो पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा, ये आ गया आपका 15। इसी तरह ये नेक्स्ट पार्ट है, 3rd 4th 5th 6th आप करेंगे, सेम टाइप है, आपको प्राइम फैक्टर्स बनाए 396 के, 2 2 3 3 11, 2 2 3 3 11 ये बन गए हमारे प्राइम फैक्टर्स, हेयर 11 हैज़ नो पेयर, देखो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर भी बन रहा है, 11 का पेयर नहीं है, 11 हैज़ नो पेयर, सो 396 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 11 को हटाना है तो डिवाइड बोथ साइड बाय 11, यहाँ से 11 हट जाएगा, नाउ टेक द स्क्वायर रूट, 396 को 11 से डिवाइड किया, ये बन गया आपका 36, यहाँ पर एक 2 और एक 3 यानी 6 बाहर आ जाएगा, 2 3 = 6, दैट मीन्स आंसर इज 6। इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड रुपीज़ 2401 रुपीज़ डोनेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, हर स्टूडेंट ने कितने रुपीज़ डोनेट किए हैं एज पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही रुपीज़ डोनेट किए गए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो डोनेटेड मनी कितनी है, 2401, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स, हमने स्टूडेंट्स मान लिए एक्स, तो हर पर्सन ने उतने ही अमाउंट डोनेट किया है जितने उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट कितने हैं, सपोज इसका एक एग्जांपल देते हैं, वैसे नहीं समझ में आएगा आपके पास,
सपोज एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4, इनके नेम दे देते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट और फोर्थ स्टूडेंट, ये 4 स्टूडेंट हैं, नेम है ए बी सी डी, ठीक है। इसने कहा हर स्टूडेंट ने उतना ही अमाउंट डोनेट किया जितने उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स ए डोनेट 4, बी डोनेट 4, सी डोनेट 4, डी ऑल्सो डोनेट 4, तो कितना अमाउंट हो गया हमारे पास 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, दैट मीन्स डोनेटेड मनी इज 4 times of 4, 4 times of 4 हो गया ना, देखो 1, 2, 3, 4, 4, 4 आ रहे हैं, तो 4 times of 4, तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x मानते हैं तो डोनेटेड मनी क्या हो जाएगी, x इंटू x, क्लियर है। 4 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी नेम दे दिया हमने, इसने कहा हर स्टूडेंट ने उतना ही अमाउंट पे किया जितने उसमें स्टूडेंट है, स्टूडेंट 4 है तो हर एक ने 4, 4, 4 पे किया, तो ये हो गया आपका 16, दैट मीन्स 4 times 4, तो 4 times 4, अगर वो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो कितना डोनेट करेंगे, x टाइम्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ x। अब डोनेटेड मनी आ गई x इंटू x, दैट इज x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है 2401, क्योंकि डोनेटेड मनी है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाना है, x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, यहाँ पर लिख देना आप स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, तो हम 2401 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 से डिविजिबल है ये, तो कितनी बार 7 आ गया, 1, 2, 3, 4 times 7 आ गया, पेयर बनाए, 2 पेयर्स बन गए, तो आपका आ जाएगा 17 फ्रॉम हेयर एंड 17 फ्रॉम हेयर, 7, 7 सा 49, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 49, कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे इसमें 49। तो ये थे 6.3 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 5, 6 के पार्ट्स सभी कंप्लीट करने हैं आपने, तो 7 तक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। थैंक यू।